आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ भाई आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं और विजिबिलिटी भी ठीक होगी। देखिए, अगर आपका टारगेट एसएससी सीजीएल 2021 है, ठीक है, तो ही आप ये वीडियो देखें और ये कंप्लीट वीडियो देखें। उसके बाद आपको काफ़ी सारी क्लैरिटी मिलेगी और लाइफ में क्लैरिटी होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो जो लोग मुझे नहीं जानते, अभी रिसेंट जानना शुरू किया है, उनको मैं बता देता हूँ। मेरे दो टाइप के बैचेस चलते हैं, एक का नाम है स्पार्टन्स, एक का नाम है सुपर 100। अभी हम सुपर 100 की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैं सुपर 100 में एडमिशंस ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, 2021 जो टारगेट कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है। लिमिटेड सीट्स रहती है और कोई इसका अभी टेस्ट वगैरह हमने स्टार्ट नहीं किया है कि टेस्ट के बेसिस पे नहीं लेते, क्योंकि फीस हमने ऐसी कर रखी कि हर कोई ले पाए। जब फीस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, उसकी फीस जब ज़्यादा बढ़ा देंगे, तो लिमिटेड उस हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से बच्चे लिया करेंगे, ठीक है। ऐसा कोई वैसे अभी कोई प्लान है नहीं, ठीक है, वो तो एक इन जनरल बात बता रहे हैं आप। तो लिमिटेड सीट्स हैं, बेस्ड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अभी से एडमिशन ओपन है, ठीक है, और काफी जल्दी खत्म होते हैं, ठीक है। लाइव और बायलिंगुअल बैच है हमारा, ठीक है। हाँ, लेकिन एक चीज आपको बता देता हूँ मैं, चलो अभी आगे बताएंगे। जो ये कोर्स है वो स्पेशली जो डिजाइन होता है ना, वो एसएससी मेंस को टारगेट करके हम पढ़ाते हैं। मैं एसएससी मेंस को टारगेट करके पढ़ाता हूँ, लेकिन जैसे कि मैंने कोरोना के बाद जून में स्टार्ट किया था, तो उसके बाद ये पाया गया कि जो बच्चे लेते हैं उनको सिलेक्शन जो मिला वो सारे एग्जाम मैंने लिख दिए। जैसे एसएससी सीपीओ में सिलेक्शन मिला, सीएचएसएल में फायदा हुआ, एमटीएस में फायदा हुआ, सिलेक्शन पोस्ट में फायदा हुआ, सीडीएस तो खैर होता ही है फायदा, डी ट्रिपल एसबी में, बैंकिंग में, जैसे अभी रिसेंटली रिजल्ट आया था, आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी आईबी एसीआईओ, इसमें भी, इन सब में बच्चों को फायदा होता है। जिसमें भी एग्जाम अगर जिसके अंदर अच्छे लेवल का क्वांट पूछा जाता है उसके लिए ये बेस्ट है। जिसमें बहुत ही हल्का क्वांट पूछा जाता है आपको सुपर 100 की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ स्पार्टन से भी काम चला सकते हैं, ठीक है। अब देखो मेन जो मैं बोल रहा हूँ ये लाइन, रियल स्ट्रगल स्टार्ट्स नाउ, प्री काफी सारी दुनिया निकालती है, असली जो खेल स्टार्ट होता है वो मेंस में होता है, वो आपको ही पता है। प्री में हमने यूट्यूब पे आपको इतना कुछ दिया और बताते हुए दिया कि मैं ये इतनी मेहनत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं मेंस के बैचेस को टारगेट करता हूँ और मेंस में आप लोग खरीदें, इसलिए हमने वहां पर बहुत ज्यादा मदद करी, अपना फायदा देखते हुए मदद करी, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि मेरे बैच की टारगेट ऑडियंस कौन सी होती है, किन्हें ये कोर्स लेना चाहिए। देखो सुपर 100 का सीधा सीधा जो मोटो है और वो मोटो अभी तक चल रहा है, वो ये मोटो है कि जब आप लोग एक बार कोर्स कर लेते हैं, यानी कि आपको सिलेबस पता है और आपने अपने सारे गधे घोड़े लगा दिए, मतलब आपने पूरी जान लगा दी, आप मेहनत लगा चुके हो और आपको ऐसा लगता है कि तब भी मेरा स्कोर नहीं। एक नॉलेज होना और स्कोर करने में बहुत फर्क होता है, ठीक है। कहां कमी पेशी आ रही है आपको नहीं समझ में आता, आपका स्कोर 120 पे रुका हुआ है, बढ़ ही नहीं रहा, किसी किसी का 150 पे रुकता है, किसी का 160 पे रुकता है, किसी का 130 पे रुकता है, अलग अलग जगह जाके सबकी कैपेसिटी के हिसाब से अलग अलग जगह जाके स्कोर रुक जाता है। तो अगर आपका स्कोर रुक जाता है, किसी का 120 पे भी रुक जाता है, उसके बाद बढ़ता ही नहीं, उसने मेहनत कर ली है, वो कोशिश कर रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या गलत हो रहा है, तो उनको टारगेट करने के लिए ये कोर्स बनाया था मैंने और मैं बनाता हूं, मतलब अब ये लाइव हर बार बना रहा हूं, लेटेस्ट रहता है, ठीक है। हम क्लियर बताते हैं कि भैया हम लेटेस्ट पढ़ाते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा काम करने की आदत नहीं है, जितना भी करते हैं बेस्ट काम करने की आदत है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा घमंड से बोल रहा, लेकिन रिजल्ट भी आता है यार उस हिसाब से, राइट। तो आपको मैं बता रहा हूं, अगर आपका इस तरीके से स्कोर रुक जाता है तो आप कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको डर रहता है कि भाई मेरे को तो कुछ आता ही नहीं और मेरे को तो मैथ्स में ABCD भी नहीं आती, तो वो ये कोर्स ना ले बिल्कुल भी मत लो, ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत पता है चीजों को और आपने एक बार सिलेबस देखा हुआ है और आपको मालूम है सारे चैप्टर्स के बारे में और उसके बावजूद आप परफॉर्म नहीं कर पाते, तो उनको टारगेट करने के लिए बनाया जाता है, क्योंकि कोई ऐसा जादू नहीं हो जाएगा अगले 2 महीने में और या 2.5 महीने में या जितना भी मैं आपके लोगों के साथ रहूंगा, क्योंकि रहना तो मेरे को मेंस तक ही है वैसे, लेकिन मैं टाइम से कोर्स कंप्लीट करा देता हूँ हमेशा, ठीक है। तो कोई ऐसा जादू नहीं हो सकता कि मैं आपको करके दिखा दूं और आप एकदम से सीख जाओ, लेकिन एक चीज मैंने आपको बता दी कि हम इन चीजों को टारगेट करते हैं जिनका रोज स्कोर स्टक हो जाता है। दूसरा पॉइंट क्लैरिटी आपको मैं दे रहा हूं, दूसरा पॉइंट, अगर आप मेहनती नहीं है, आप उनमें से हैं कि मेहनत नहीं कर पाते, आपको लगता है कि ठीक है होगा तब भी ठीक है, नहीं होगा तब भी ठीक है, तो बिल्कुल भी ये कोर्स ना ले। आप
अगर मेहनत नहीं करेंगे तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, क्योंकि मेरे साथ ये रहता है कि आपको जितना मैं अभी फनी वगैरह लगता हूँ, जैसे कई लोग यूट्यूब पे देखते हैं, हम जब पढ़ाते हैं वो भी अपने पेड कोर्सेज में, तो इतना ज्यादा डंडे के जोर पे पढ़ाता हूँ मैं, आप सोच नहीं सकते कि ऑनलाइन में भी इतना हो जाता है। तो अगर आप उनमें से हैं जिनको डर लगता है चीजों से और आप अपने टीचर की बातें नहीं सुन सकते, या फिर आप उनसे ज्यादा जानते हैं आपको ऐसा लगता है, तो आप बिल्कुल ना ले। और अगर आप मेहनती नहीं है तो आप बिल्कुल ना ले। बहुत ही रूड अनाउंसमेंट होती है, हर बार ऐसी होती है, किसी को ऐसा लग रहा है कि इस बार बोल रहे हैं, पहले नहीं बोलते थे, तो पुरानी वाली जाके देखो, सारी देखो, हर बार ऐसी पढ़ा, ऐसी बताता हूँ मैं कि ये मेरा एक तरीका रहता है, ठीक है। क्योंकि हमें वो ऑडियंस चाहिए जो मेहनत कर सकता है, जो हमारे को सिलेक्शन लेके दिखा सकता है, ठीक है। कंसिस्टेंट रहने वाले बंदे चाहिए होते हैं अपने, राइट, क्योंकि हर किसी की किस्मत अच्छी नहीं होती, किसी को जल्दी मिल जाती है चीजें, किसी को लेट मिलती है, ठीक है। अब क्वेरीज मोड ऑफ कोर्स क्या होता है, लाइव सेशन रहेंगे, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे एक पॉइंट बताना है, क्योंकि मैंने अभी प्री से कुछ टाइम पहले इसको कोर्स को लॉन्च किया था 21 को टारगेट करने के लिए, लेकिन थोड़ी सी मैंने क्लासेस ली थी, तो मैं इसमें एलजेब्रा और अरिथमेटिक की परसेंटेज और रेशियो की वर्कशॉप दे चुका हूँ, ठीक है। तो आपको अगर लग रहा है कि ये वाली वर्कशॉप वो दोबारा से कराई जाएगी, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो बच्चे हमारे पास ऑलरेडी एडमिट हैं, बहुत सारे बच्चे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आ रही है और पैसा सबको पसंद है, और जब तक हम अपनी मदद नहीं करेंगे तो दूसरों की मदद तो सवाल ही नहीं उठता, तो ऑब्वियस सी बात है एडमिशन खोले जा रहे हैं, ठीक है। और हमने पहले भी खोले थे, लेकिन प्री जल्दी आने की वजह से उसको रोक दिया था, तो सिर्फ इतना ही खत्म हुआ है, आपको मिलेगा ये एक्सेस, ठीक है, एक्सेस आपको मिलेगा, क्योंकि एक गुड न्यूज भी है, वो गुड न्यूज आपको अभी मैं आगे देने वाला हूँ, क्या गुड न्यूज है, ठीक है। क्लास की टाइमिंग 1 बजे से 3 बजे मिनिमम टाइम है ये, 1 से 3, आपकी जो हैबिट है वो आपकी मैं ऐसी बना दूंगा तैयार। क्लास की शुरू में आपको दिक्कत आएगी, लेकिन थोड़े दिन में ही आपकी कम से कम 2.5 घंटे की क्लास 3 घंटे की क्लास अपन लेते हैं यार, 2.5-3 घंटे जाते हैं, ठीक है, तो आपको हैबिट पड़ जाएगी और हो जाता है। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स लगभग 60 क्लासेस के आसपास रहेगा, ठीक है। ये सब टेंशन आपको नहीं लेनी, ये सब टेंशन मेरी होनी चाहिए कि मैं कितनी क्लास में कराऊंगा, मैं कितना टाइम लेता हूँ, क्या करता हूँ, क्योंकि आपके सिलेक्शन की टेंशन आपसे ज्यादा हमें है, ठीक है। तो ये चीज आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले, लेने वाले लेते हैं इसलिए हम बताते हैं, ठीक है। प्लेटफॉर्म सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड ऐप, जो कि मेरी पर्सनल ऐप है, उस ऐप पे मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। आपको लगे कि लैपटॉप पे चलेगा, नहीं चलेगा, एंड्रॉयड ऐप पे ही चलेगा, सिंपल, ठीक है। अगर आपके पास आईफोन है, आप महंगे वाले फोन रखते हो, तो भी आपको अरेंज करना पड़ेगा एंड्रॉयड फोन, सस्ते वाला फोन, ठीक है। सस्ते क्या मतलब, एक बात कर रहे हैं, ठीक है, आगे चलते हैं कि हाँ, इसमें आप टैबलेट भी, एक चीज और है कि एंड्रॉयड फोन और एंड्रॉयड टैबलेट दोनों से आप कर सकते हैं। कोर्स क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होती है, बायलिंगुअल रहता है, ठीक है। जो पीडीएफ होती है वो भी प्रैक्टिस शीट जैसे हो गई, वो भी बायलिंगुअल रहेगी। क्लास के क्वेश्चन की शीट मिलती है, वो भी बायलिंगुअल मिलेगी। क्लास के क्वेश्चन आंसर की शीट मिलती है, जो मैं लिखता हूँ, ठीक है, तो आपके नोट्स वगैरह का, कई लोग फिर भी अपने हाथ से बनाते हैं, कई लोग नहीं बनाते, तो वो भी बायलिंगुअल मिलेगी। बायलिंगुअल का मतलब क्या, मतलब मैथ्स तो सिर्फ क्वेश्चन ही होते हैं, वो तो ऐसे ही लिखा भाई, ठीक है। कोर्स की फीस अगले से, मैंने ये पिछली बार भी बताया था कि अगले सीजन में, ठीक है, तो अगले सीजन में फीस इंक्रीज होगी। अभी हम सेम फीस रख रहे हैं जहां से मैंने स्टार्ट करी थी, 1,500 रुपए फीस है, एक टाइम पेमेंट होती है, वन टाइम पेमेंट होती है, नॉन रिफंडेबल फीस है, ठीक है। लास्ट डेट टू एनरोल 24 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल चल रहा है, अप्रैल 24 अप्रैल, ठीक है। और 25 तारीख से, यानी मंडे से, मंडे है ना, एक मिनट चेक कर लेते हैं, 25 को, हाँ, मंडे से आपका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। तो जितने भी बच्चे जो ऑलरेडी सुपर 100 में एडमिट है, वो भी अपनी कमर कस ले कि हाँ, मंडे से अपना कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, गुड न्यूज ये है कि मैं इस बार, हमेशा मेरा क्या रहता है कि मैं वैलिडिटी देता हूँ 24 घंटे, 36 घंटे, अभी जैसे लेटेस्ट मैंने 72 घंटे की दी थी। इस बार मैं एक ट्राई करके देख रहा हूँ, ठीक है, कुछ, क्योंकि अब हमारी खुद की पर्सनल ऐप है तो हम ट्राई कर सकते हैं। मैं सुपर 100 की वैलिडिटी मेंस तक दे रहा हूँ इस बार, पहली बार ऐसा कर रहा हूँ मैं, मैंने आज तक नहीं किया। और वो भी आप लोगों के, जो भी आप लोगों का बैच है, आप लकी कह लो या जो मर्जी कह लो, आपकी एक्सेस जो रहेगा क्लास की वैलिडिटी, वो मेंस तक रहेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि 72 घंटे बाद आप क्लास नहीं देख सकते, सारी क्लासेस आपको एक्सेसिबल मिलेंगी मेंस तक। क्लियर है बात, डन, ठीक है। पेमेंट कैसे करनी है, आप फोन पे कर सकते हैं, ठीक है, आप गूगल पे कर सकते हैं, आप पेटीएम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इस नंबर पर आप यूपीआई कर सकते हैं, ठीक है। अभी ऐप पे पेमेंट इंटीग्रेशन के लिए कर रखा है,
तो उसमें कुछ एरर आ गई थी। अब इसी चक्कर में इतना लेट एडमिशन मैं खोल रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि प्री होने देते तब एडमिशन खोलते। भाई आप अगर प्री से ही डर रहे हो तो आप लोग तो वैसे भी इस कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं है। डरपोक लोग नहीं ले सकते, उनको पहले नॉर्मल होना पड़ेगा। थोड़ा सा अपने आपको ऐसा बनाना पड़ेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं जीत सकता हूँ, मुझे सिलेक्शन लेना ही लेना है। तो जब आप बन जाएंगे फिर आना, ठीक है? तो ये चीज ध्यान रखो। और आप लोगों के लिए एक चीज और है कि ऑफर क्लोजेस सून, ठीक है? तो ये लेटेस्ट है अब। तो आप इस नंबर पे 8860930618 पे, इस नंबर पे पेटीएम फोन पे कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? और या फिर नेट बैंकिंग की ये डिटेल है, आप इस पे नेट बैंकिंग कर सकते हैं, फीस आप भेज सकते हैं, सिंपल तरीका है, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप पेमेंट भेज देते हैं तो जो भी आपने जैसे भी किया उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इस नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज देना, बस आपका काम खत्म। उसके बाद आपको ऐप वगैरह जो भी मिल जाएगी आपको पेशेंस रखना है, ठीक है? और आप जब इस नंबर पे भेजेंगे, ये सिर्फ व्हाट्सएप भेजने के लिए नंबर है, आप किसी भी नंबर से पेमेंट कर सकते हो। आप अपने चाचा ताऊ फूफा फूफी मम्मी पापा जिस मर्जी के फोन से पेमेंट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप स्क्रीनशॉट भेज देना इस नंबर पर, लेकिन आपको जो ऐप डालनी पड़ेगी जिस पे आप देखना चाहते हैं कोर्स, उस पे आपको ऐप डालनी पड़ेगी, ठीक है? और आपको पेशेंस रखने हैं, कोर्स जब तक स्टार्ट नहीं हो जाता उस दिन में। ऐसा नहीं कि आपने जैसी पेमेंट कर दी तो आपको एकदम से सब कुछ चाहिए, ऐसा नहीं हो पाएगा, हमारे साथ नहीं हो पाएगा, थोड़े पेशेंस रखने पड़ेंगे आप, ठीक है? प्रोसेस मैं बता देता हूँ इन शॉर्ट। कई सारे लोगों को तो इतनी बातें सुनने की वही नहीं है, उनको ट्रस्ट है कि लेना ही लेना है। तो मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं, तो उनको सिर्फ शॉर्ट में बता देते हैं कि कुछ नहीं करना, पेमेंट करो इस नंबर पे, ठीक है? 8860930 इस नंबर पे पेमेंट करो, यूपीआई पेमेंट, पेटीएम कुछ भी कर सकते हो, पेटीएम वॉलेट वॉलेट सब कर सकते हो, ठीक है? और उसके बाद स्क्रीनशॉट लो और इस नंबर पर भेज दो, व्हाट्सएप कर दो, ठीक है? आपके पास व्हाट्सएप नहीं है, किसी के भी फोन से व्हाट्सएप कर सकते हो, दोस्त वोस्त किसी के भी, ठीक है? और फिर आपको एंड्रॉयड ऐप मिल जाएगी जिसमें आपको एक्सेस वगैरह मिल जाएगा। सिर्फ हमारे पास कोई कॉलिंग फैसिलिटी नहीं है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप क्वेरीज अवेलेबल है इस नंबर पे। आप कॉलिंग करते रहेंगे, कॉल पिक नहीं होगी, सिर्फ व्हाट्सएप क्वेरीज अवेलेबल है, ठीक है? आप व्हाट्सएप क्वेरीज कर सकते हैं, ठीक है? आई होप कि सारी क्वेरीज आपकी क्लियर हो गई होगी। एक क्वेरी आपकी अभी भी बची होगी स्पार्टन्स को लेके, कि स्पार्टन्स कब आएगा। तो मैं आपको बता देता हूं, पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सुनना मेरी बात ध्यान से। अगर आपका टारगेट इस वाले सीजीएल का नहीं है जो अपकमिंग है, अगर इस वाले सीजीएल का नहीं है तो आप थोड़ा और पेशेंस रखो, क्योंकि मैं दोबारा से नया एक लाऊंगा कि भाई अगली बार अगर आप टाइम वेस्ट करना चाहते हो तो थोड़ा और टाइम वेस्ट करो, कहीं से भी कोर्स ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मोस्ट वेलकम, आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका टारगेट इस वाला है और या फिर अगले वाला भी, और आपको पैसों की इतनी टेंशन नहीं है, तो आप, मैंने स्पार्टन्स बैच कंप्लीट किया है रिसेंटली, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं इतने सारे चीजें नहीं चलाता, मैं एक टाइम पे यार एक ही काम करता हूँ। जब सुपर 100 हमारा आधे के आसपास जब खत्म हो जाएगा, आधे से ज्यादा, तब मैं कुछ और नया सोचूंगा। तो मैं ऐसा नहीं करता कि भाई मैं चार पांच जगह अपने पैर फंसा लूं, ये भी चल रहा है वो भी चल रहा है, परफॉर्मेंस नहीं आ पाती। करने वाले करते होंगे, हम क्योंकि लंबी लंबी क्लासेस देते हैं, हमें रोज उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है लेटेस्ट पढ़ाने के लिए। तो ऐसा नहीं हो सकता, मैं स्पार्टन्स बैच कंप्लीट कर चुका हूँ, ठीक है? हाँ, उसमें कुछ चीजें ऐड होती हैं, वो तो रहेंगी जब तक मेंस नहीं हो जाता, ठीक है? वो एडेड होती रहती है, लेकिन स्पार्टन्स बैच हमारा कंप्लीट हो गया है, तो उसकी भी वैलिडिटी मेंस तक है। आप ये ले सकते हैं, आप अपने हिसाब से अपनी स्पीड से रिकॉर्डेड क्लास से पढ़ सकते हैं, उसकी फीस इतनी है। क्योंकि इस स्पार्टन्स और सुपर 100 में एक डिफरेंस पूछते हैं बच्चे, बहुत बड़ा डिफरेंस मैं बता देता हूँ, स्पीड का डिफरेंस है। अगर मुझे 30 क्वेश्चन पढ़ाने हैं स्पार्टन्स में, ठीक है, तो स्पार्टन्स में मेरे को कई बार ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन को तीन तीन चार चार बार पढ़ाना पड़ता है, अलग अलग मेथड से समझाना पड़ता है, या फिर एक ही मेथड को भी रिपीट करना पड़ता है। थोड़े हल्के बच्चे रहते हैं तो हम उसमें आराम से पढ़ाते हैं, ठीक है? सुपर 100 में ऐसी रिक्वायरमेंट आती नहीं है। ऐसा नहीं है कि सुपर 100 में हम रिपीट नहीं करते, बिल्कुल रिपीट करते हैं, हर किसी को सब कुछ समझ में आएगा सुपर 100 में भी, ठीक है? बस ये कहने के लिए होता है ताकि हमारे पास थोड़ी सी क्रीम ही आए, ठीक है? मैं कुछ छुपा नहीं रहा आप लोगों से कि भाई ऐसा हम चाहते हैं कि सुपर 100 में हमारे पास पहले से थोड़ा सा एक क्रीम आए, जो मेहनत कर सकते हैं वो बच्चे आए, डरे हुए बच्चे ना आए, ठीक है? तो स्पार्टन्स और सुपर 100 में ये डिफरेंस है। स्पार्टन्स प्री से मेंस तक को कवर करता है, सुपर 100 सीधा मेंस को कवर करता है, ठीक है? तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको लगता है कि यार मैं तो बहुत ज्यादा वीक हूं, उसको स्पार्टन्स ले लेना चाहिए, और उसको लगता है कि मैं इतना ज्यादा वीक हूं, तो मैं बोलूंगा कि कोई ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करो, आप पहले आप एक साल मेहनत करो, उसके बाद आप हमारे पास आओ,
क्योंकि इतने जल्दी चीजें नहीं होती। अगर आप ये इस टाइप की एडवाइस आपको कोई देगा नहीं, मैं खुल के बताता हूँ कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही ज्यादा हल्के पे, तो आपको ऐसा भी करना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि आप मेहनत कर सकते हैं, और ऑनलाइन से पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं होती। ऑनलाइन में पढ़ने में आपको गट्स चाहिए। आप आधे से ज्यादा लोग पता क्या करते हैं, 5-6 जगह पैर फंसा लेते हैं, इसका कोर्स ले लिया, उसका कोर्स ले लिया, इसका कोर्स ले लिया, फिर उनका सिलेक्शन नहीं होता। बाद में फिर से वो बोलते हैं सर आपका नया कोर्स कब आएगा। तो आप ऐसा ना करें, आप हमसे जुड़े तो पूरा ट्रस्ट करके जुड़े, मेहनत करके आप अचीव करेंगे। सेम कोर्स में से बच्चे सिलेक्शन भी देते हैं, सेम कोर्स में से ऐसा भी होता है कि बच्चे 0 मार्क्स भी लाते होंगे, ऐसा होता होगा, मतलब एक इन शॉर्ट बता रहा हूँ। बट मेरे साथ ये जरूर फायदा रहेगा आपको कि मैथ्स आपकी बढ़िया हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है कि मैं सिखा दूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। लास्ट में एक बात और बोलना चाहेंगे बस। साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? ले 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 ले। सो दैट्स इट, सेशन डिसमिस्ड, बाय बाय।